नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स न्यूज। मैं हूँ रामनाथ विद्रोही। दोस्तों, आज वैशाली लोकसभा क्षेत्र में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आप देख रहे हैं, ग्लोबल से हमारे संवाददाता बैजनाथ गुप्ता ने खबर दी है कि सुबह से ही ग्लोबल बाजार स्थित मध्य विद्यालय में महिलाओं की लंबी कतार थी। लोग अपने बारी का इंतजार कर मतदान कर रहे थे। यहाँ जितनी भीड़ थी वह वैशाली विधानसभा के किसी भी मतदान केंद्र पर देखने को नहीं मिली। उधर मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता शीला चंद्रा ने खबर दी है कि कांटी विधानसभा क्षेत्र के गंगापुर सहित कई मतदान केंद्रों पर लोग पंक्तिबद्ध कतार में खड़े थे और अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि धूप काफ़ी तेज था। कुछ लोगों का यह आरोप है कि प्रचंड गर्मी में जिला प्रशासन की ओर से छाया और पानी की व्यवस्था नहीं की। लगा दिया गया है टेंट के नाम पर, पांच कमरे लगाकर बस एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया गया है, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ना ही सुरक्षा कर्मी हमारे बीच से रह पा रहे हैं, ना ही वोटर रह पा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी के सिर्फ खाली बोतलें रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे वोट करने आए हैं क्या? किस क्या सोच के वोट करने आए हैं? कि मतदान अच्छा हो, जो हम लोग के प्रति जो भावना रखते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, विकास को लेकर के जी। अच्छा, पहले के बने 10 साल पीछे की बात अगर की करें तो पहले से क्या सुरक्षित महसूस करते हैं? जी, पहले से तो सुरक्षित है और सब साधन में कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। अच्छा, पहले से सुरक्षित महसूस करते हैं। भैया, क्या मतदान करने आए हैं? बेरोजगारी हमारा मुद्दा है। अच्छा, बेरोजगारी को हम लोग मतदान कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे व्यवस्था कैसा है? जो व्यवस्था किया गया है, मुखिया जो यहाँ के हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऊँचा होता तो 1000-2000 का यहाँ पर पंडाल लगाया जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है। देख रहे हैं कि कितना धूप है, धूप में सब मतदान कर रहे हैं लोग। आपके सामने ही नज़र आ रहा है, देखिए क्या धूप है। झूठ मूठ का एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया गया। और क्या 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 नाम हुआ? MDR जी। भैया, आप बताइए, वोटिंग कर लिए? आज 6वां चरण के मतदान हो रही है वैशाली लोकसभा में और बहुत बढ़िया से वोटिंग हो रहा है। और हम अपने लोगों को बताना चाहेंगे जो अपना मतदान करे, घर से निकले और वोट दे करके अपना लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को दर्ज करें। और सबसे पहली बात यह है, वोटिंग के बूथ पर किसी तरीके का बढ़िया इंतजाम नहीं। इंतजाम में कह दे, पानी का इंतजाम होना चाहिए, कम से कम छा का इंतजाम होना चाहिए। ना पानी का इंतजाम है, ना छा का इंतजाम है। और जिला प्रशासन जिला अधिकारी बोलते हैं, जो मैं सारा व्यवस्था कर रखा हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप दिखा दें क्या व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ पे कोई किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है? नहीं, मैं बता दूँ, गंगापुर चौक। लेकिन प्रशासन तो कहे कि व्हील चेयर, पानी, टेंट, हर एक सुविधा रहेगी। तो आप सामने में देख पा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ और आपका कैमरा भी घुमा के देख ले। ये हरपुर मछिया, गंगापुर चौक, कांटी विधानसभा। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद हुसैन। क्या कहेंगे यहाँ की विधि व्यवस्था को लेकर के? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम वैशाली के लोगों से आग्रह विनती करेंगे कि इस लोकतंत्र की महापर्व आप अपने घर से निकलिए और वोट डालिए। वोट आपका अधिकार है और ये लोकतंत्र की पर्व है। सबसे पहले अपना मतदान कीजिए। जहाँ तक बात रही व्यवस्था की, तो थोड़ी व्यवस्था में कमी है। भीषण गर्मी है, गर्मी के कारण थोड़ा स्लो वोटिंग हो रहा है, पर वोट हो रही है। सब लोग घर से निकल रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो भी कहा गया था कि पानी, टेंट वेंट का व्यवस्था, तो उसमें थोड़ा कमी है। टेंट की व्यवस्था नहीं की गई है। काफ़ी लोगों को परेशानी हो रहा है गर्मी के कारण। क्या नाम हुआ? सरफराज आलम।